ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं कब इंटरनेशनल बॉर्डर्स रीओपन होंगे, कब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आ पाएंगे और कब हम इंडिया अपने घर जा पाएंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, और एक नए व्लॉग में स्वागत है आपका। तो आज का ये व्लॉग घर से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये मेरे पीछे मॉल है और मुझे बैंक में जाना है क्योंकि काम है, कुछ पर्सनल काम। तो बैंक से मुझे याद है कि थोड़े दिनों पहले मुझे किसी ने पूछा था कि क्या एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को यहाँ पे लोन मिल सकता है कि नहीं, और कितने का लोन मिलता है, मतलब अगर मिलता भी है तो मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ऑल द क्वींसलैंड में लॉकडाउन है बट इसेंशियल चीज़ों के लिए जा सकते हैं तो ये मास्क तो पहनना पड़ेगा। और बारिश हो रही थी एज यूजल, यहाँ का वेदर कभी बारिश कभी भी ये। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी बैंक्स हैं और फर्स्ट थिंग, अगर आपको इंडिया से भी या आपके कंट्री से भी आप ऑनलाइन यहाँ पे बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और एक्टिवेट तभी होता है जब आप यहाँ पे आते हो तभी एक्टिवेट होता है, बट आप अप्लाई तो कर ही सकते हो क्योंकि मैंने वही किया था। और मेरा कौन से बैंक में अकाउंट है वो भी मैं आप लोग को बता दूँ। आई होप बैंक चालू होगा, हाँ चालू है बैंक चालू है। ऑल राइट, तो अभी जो बैंक का काम है वो तो हो गया प्रॉब्ली, क्योंकि मेरा कार्ड जो है वो डैमेज हो गया तो न्यू कार्ड ऐड करना पड़ा, तो वो प्रॉब्ली 14 डेज के अंदर मुझे जो न्यू कार्ड है वो मिल जाएगा। वैसे तो मॉल थोड़ा सा बिजी है और सारे इसेंशियल शॉप है, इसमें इसेंशियल शॉप में ये भी आता है लिकर, क्योंकि ये भी इसेंशियल है। तो ये वोडाफोन का स्टोर है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट पे आप आईफोन ले सकते हो, यूजुअली स्टूडेंट्स वही करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे आईफोन लेते हैं। यहाँ पे अगेन बारिश स्टार्ट हो गई है और थोड़ा अभी इस बार थोड़ा ज़्यादा हेवी रेन हो रहा है यार, ये हमेशा का यहाँ पे बहुत अनप्रेडिक्टेबल वेदर। और मैंने अम्ब्रेला तो नहीं है, छाता तो हम कार में ही भूल गए, तो अभी वेट करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, तो भाग के जाना पड़ेगा। वो टेस्ला कार होती है ना ऑटोमेटिक, तो वो यहाँ से यहाँ पे ला सकते थे, बट हमारी है निसान पल्सर जो नहीं आने वाली, हमको ही भाग के जाना पड़ेगा। और चीज से मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ, जैसे अभी यहाँ पे 3 डेज का लॉकडाउन रखा गया, क्योंकि जस्ट 2 या 3 एक्टिव केसेस मिले तो 3 डेज का लॉकडाउन रखा गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं कब इंटरनेशनल बॉर्डर्स रीओपन होंगे, कब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आ पाएंगे और कब हम इंडिया अपने घर जा पाएंगे। तो देखते रहिए ये पूरे एपिसोड्स मेरे चैनल पे, और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपको फिर वही आगे की फ्यूचर में मालूम पड़ेगा यार कब का कब। और अभी वो बैंक का बताता हूँ बट उसके पहले बारिश रुकना चाहिए यार, पर मैंने पार्क किए वो शेड के नीचे नहीं किए, तो अभी कहाँ से जाऊँ। तो अभी सेफली कार में आ गया हूँ मैं, और बाहर बहुत ज़्यादा ज़ोरों से बारिश हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको लोन नहीं मिल सकता कोई भी बैंक से, अगर आप पीआर हो, दैट मीन्स परमानेंट रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, या फिर आप यहाँ के सिटीजन हो तो ही आपको यहाँ के बैंक में से लोन मिल सकता। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको नहीं मिल सकता, बैंक में से तो नहीं मिल सकता। बट यस, आप क्रेडिट कार्ड के अप्लाई कर सकते हो, बट उसका भी मिनिमम क्राइटेरिया कि आपका वीजा जो है वो 1 ईयर का होना चाहिए और आपको $500 तक क्रेडिट कार्ड मतलब मिल जाता है, लोन आपको नहीं मिलता। और हाँ, रही बात बैंक की, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे बैंक है जैसे कॉमनवेल्थ बैंक, फिर नैब, फिर वेस्ट पैक। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वो कॉमनवेल्थ बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, क्योंकि वो वहां से इजी भी है और आप इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हो, जस्ट आपको एक्टिवेट यहाँ पे आके ही होता है वो, क्योंकि उसके लिए एड्रेस लगता है और आपका कॉन्टेक्ट नंबर लगता है वो भी ऑस्ट्रेलियन, तभी आप एक्टिवेट कर सकते हो। बट हाँ, मेरा अकाउंट भी वही बैंक से और अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल्दो मैंने स्टार्टिंग में नैब ये बैंक है उसमें भी अकाउंट ओपन किया था, बट इट वॉज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, तो इसलिए मैंने वो अकाउंट क्लोज कर दिया और कॉमनवेल्थ बैंक में मैंने कंटिन्यू रखा अकाउंट। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में फ्यूचर में आते हो तो आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते। शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग था, प्रॉब्लम बहुत छोटा हो गया होगा ये ब्लॉग, बट ठीक है यार, मतलब अभी बारिश हो रही है तो ये ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, क्योंकि अभी मुझे घर पे आके दूसरा एक वीडियो है मेरा कल का, वो मुझे एडिट करना है और ये बाद में एडिट करूंगा। सो दैट्स इट, आई होप आपको ये शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि वी आर क्लोज टू 10,000 सब्सक्राइबर वी, क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हो, हमारी यूट्यूब की कम्युनिटी है, तो पहुंचेंगे 10,000 जल्दी पहुंच रहे, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि सपोर्ट होता है, मतलब अच्छा लगता है दिल को, यहाँ अच्छा लगता है।